नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो आज पुनः एक नए वीडियो में स्वागत है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं मित्रों, वो है वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या किया जाए। एक नए निवेशक को जो मार्केट में प्रवेश कर रहा है, उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वो पैसा बना सके। मित्रों, पहले सबसे पहले हमको ये समझना है, हमें यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन करना है। वेल्थ क्रिएशन मतलब आज से एक समय बाद, 5 साल, 6 साल, 10 साल, हमको इतना पैसा चाहिए, वो वेल्थ क्रिएशन होता है। हमें यहाँ ट्रेडिंग के लिए बात नहीं करनी है। ट्रेडिंग मतलब कि जो शेयर घटता बढ़ता रहता है, पर डे बेचना, दूसरे तीसरे दिन बेचना, वो नहीं करना है। हमें वेल्थ क्रिएशन की बात करना है। तो सबसे पहले क्या करना है मित्रों, कन्फ्यूजन होता रहता है क्या किया जाए, क्या कैसे किया जाए। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सिंपल बिजनेस तलाशने हैं। सिंपल बिजनेस हमें आंख बंद करना है, हमें विचार करना है कि यदि आज के डेट में मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो हमें कौन कौन सा बिजनेस अच्छा लग रहा है। सर्विस सेक्टर अच्छा लग रहा है, किसी प्रोडक्शन में करना है वो, तो कौन कौन सा पसंद है। क्या हम प्लाईवुड बनाना चाहते हैं, क्या हम सीमेंट बेचना चाहते हैं, या एफएमसीजी का साबुन तेल बेचना चाहते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हम क्या क्या किस किस सेक्टर में बिजनेस कर सकते हैं, आसान बिजनेस कौन सा है। तो हमें सिंपल बिजनेस ट्रैक करना है, ज़्यादा दिमाग में न आवे, ज़्यादा दिमाग न दौड़े इस बारे में। तो सीधी सा एक फंडा है कि हम अपने घर में कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप देखिए कि उस प्रोडक्ट को कहीं से न कहीं से हम लाए हुए हैं, कोई ना कोई उस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है। भाई आप मोबाइल खरीद के लाए, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है। हमने मार्कर खरीदा, कोई ना कोई बिजनेस कर ही रहा है। हार्डबोर्ड खरीद के लाए गए, हार्डबोर्ड का भी कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है। ये एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगी हुई है, वो भी किसी ने बिजनेस किया ही किया है। पेंट ये किया गया है, पेंट का कोई ना कोई बिजनेस होता ही होता है। उसी तरह से अब मैं जो पी रहा हूँ, ये चाय पानी जो भी कहिए, इसका भी कोई ना कोई बिजनेस कर ही रहा है। गिलास है, कांच का गिलास है, कांच का कोई ना कोई बिजनेस कर ही रहा है। मतलब मल्टीपल बिजनेस हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। हमें बिजनेस चिन्हित करना है कि बिजनेस कौन कौन सा आसान है या हमारे सामने दिख रहा है जिसको मुझको करना चाहिए। तो सबसे पहला हमको बिजनेस चिन्हित करना है। पहला काम आसान, कितने बिजनेस चिन्हित करना चाहिए, 15 से 20। पंद्रह से बीस बिजनेस हमको चिन्हित करना है। अब क्या करना है कि उस बिजनेस के हम कंपनी का नाम देखें, अब कंपनी का नाम क्या। अब जैसे अब ये पेंट है, ये पेंट कौन कौन सी कंपनी बनाती है। सीमेंट घर बनाने में यूज हुआ तो सीमेंट कौन कौन सी कंपनी बनाती है। मार्कर है तो स्टेशनरी कौन कौन सी कंपनी बनाती है। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की सर्विस है तो सर्विस कौन कौन देती है। इस तरीके से कुल 15-16 लीडर कंपनियों का जो मार्केट लीडर है, उनके शेयर्स को हमको लेना है। सिंपल बिजनेस, 15-20 बिजनेस, उनके शेयर्स को लेना है। तीसरा, हमें बिजनेस को बाय बिजनेस नॉट प्राइस, हमें बिजनेस को खरीदना है,
उसके शेयर के भाव को नहीं खरीदना है। आप देखेंगे किसी भी कंपनी का शेयर देखेंगे तो हमेशा ऐसे घटता बढ़ता रहता है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि यदि ये यहां पर है तो यहां जाएगा, यहां है तो यहां जाएगा। ये बिजनेस शेयर का भाव का फ्लक्चुएट होना उसका स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक नेचर है, ये इसका स्वभाव है, घटता बढ़ता रहेगा। यही इसकी ब्यूटी है, यही इसकी खूबसूरती है। जब जिस दिन कोई शेयर सिर्फ एक दिशा में चलना शुरू हो जाएगा तो मार्केट की खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। खूबसूरती इसका यही है कि ये घटता बढ़ता रहता है। तो हमें क्या करना है कि प्राइस के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सिंपल जब भी हमारे पास पैसा हो तब हमें इस शेयर को खरीदना है। आज खरीदेंगे, कल खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे, चौथे दिन खरीदेंगे, तो होता क्या है कि एक औसत भाव मिलता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। भाव कितना भी हो, कैसा भी हो, चिंता नहीं करना है, हमें शेयर खरीदने हैं, हमें बिजनेस खरीदने हैं। यदि बिजनेस हम अच्छा खरीदेंगे मित्रों तो समय लगेगा, लेकिन मार्केट में एक दिन हमको उसका रिवार्ड अवश्य मिलेगा। चौथा, अब इस बाई बिजनेस को जो हम ले रहे हैं इसको बार बार खरीदना है। ये नहीं कि हमने एशियन पेंट का शेयर लिया, एशियन पेंट का शेयर लेकर के एक बार बैठ गए, नहीं, हमें बार बार खरीदना है। निवेश मित्रों एक सतत की जाने वाली प्रक्रिया है, सतत की जाने वाली प्रक्रिया है। जब आपके पास पैसा हो तब खरीदिए। सबसे बेस्ट टाइम शेयर को खरीदने का होता है जब हमारे पास पैसा है। हमें क्या करना है, जो भी हम पैसा कमाते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ हमारी आमदनी होती है, तो उस आमदनी का एक छोटा पार्ट हमको इस तरफ रुख कर देना है। और जो पार्ट हम करते हैं अपनी तरफ इस मार्केट की तरफ, उस पैसे से बार बार क्या करना है, बिजनेस खरीदना है। कितने बिजनेस खरीदना है, 15 से 20। आप अपने आसपास देखिए, अपने घर में 15-20 बिजनेस आसानी से मिल जाएंगे। टी शर्ट ये लाया गया है किसी न किसी कहीं से, किसी न किसी कंपनी से लाया गया है। आपके किचन में चले जाइए, किचन में देखिए, गैस सिलेंडर देखिए किसी कंपनी का होगा, गैस चूल्हा किसी कंपनी का होगा, साबुन तेल जो FMCG प्रोडक्ट यूज करते देखिए वो किसी न किसी कंपनी का होगा, वो या तो HUL का होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का होगा, या गोदरेज का होगा। तमाम ऐसे प्रोडक्ट पड़े पड़े हैं। गाड़ी आपके पास कौन सी है, गाड़ी में टायर कौन सा यूज हो रहा है, उसके पार्ट कौन सा बना रहा है, कहाँ से डीजल पेट्रोल डालते हैं, तमाम एक बिजनेस फैले हुए हैं। तो इन बिजनेस को हमें बार बार खरीदना है। खरीदते समय मित्रों एक हमें ध्यान देना है कि हम पेड़ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, हम वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष का एक समय होता है, वो समय के उपरांत ही फल देना शुरू करता है। आम का पेड़ 5 साल में, इमली का पेड़ 25 साल में। नॉर्मल तौर पर किसी भी आप फल को देखिए, वो जो फल होता है एक समय बाद, पेड़ जो होता है एक समय बाद फल देना शुरू करता है। जब फल देना शुरू करता है तो मित्र कितना आनंद मिलता है हमको। तो शेयर में भी हम ये सोचे कि हम एक फल लगा, पेड़ लगा रहे हैं, ये भविष्य में हमें फल देगा, भविष्य में हमारी पीढ़ियों को पैसा देगा, ये सोच करके हमको लगाना है। जिस वक्त सोच के लगाएंगे मित्रों तो शॉर्ट टर्म में कितना भी कैसा भी मार्केट हो हमें घबराहट नहीं होगी, हमें करते रहना है। छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो हम बिजनेस लिए हुए हैं उसके रिजल्ट को हम नियमित चेक करते रहें।
नियमित समीक्षा करना है। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, किसी भी शेयर के दो रिजल्ट क्वार्टरली चार रिजल्ट आते हैं, हर तीन माह पर रिजल्ट आते हैं, चार बार साल में नतीजे आते हैं, तो इन सभी नतीजों को बारीकी से समीक्षा करनी है। समीक्षा के लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जानकारी देखना है कि पिछले क्वार्टर में का जो बिजनेस हुआ है, इस क्वार्टर में बिजनेस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और लगातार पिछले कई क्वार्टरों से हम चेक करें तो बिजनेस घट रहा है कि बिजनेस बढ़ रहा है। यदि बिजनेस घट रहा है लगातार कई क्वार्टरों से, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। यदि प्रॉब्लम है तो हमें उस शेयर के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। वो नतीजों में दिखाई देना शुरू करता है। यदि नतीजों में अचानक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया तो भी देखते रहिए। ज़्यादा समझ में न आवे मित्रों तो ब्रोकरेज रिपोर्ट वगैरह पढ़ते रहिए। जो ब्रोकर वगैरह होते हैं उनके नियमित रूप से रिपोर्टें आती रहती हैं, आपका अकाउंट जिस ब्रोकर के यहाँ होगा उसका नियमित रूप से आपको मेल आता होगा, उसके रिपोर्ट को पढ़ते रहिए। गूगल पे डालिए, गूगल में मिल जाएगा। मनी कंट्रोल पे देखिए, ब्लॉग पढ़िए, तमाम लोग इस पे लिखते रहते हैं। तो हमें रिजल्ट को समीक्षा करते रहना है और ये देखना है कि पिछले क्वार्टर से तुलना करना है। यदि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो फिर उसके बारे में हमको सोचना है कि हम उसे होल्ड करें कि ना होल्ड करें। सातवां, यदि कंपनी अच्छी है तो कंपनी को समय के साथ बढ़ाइए। यदि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो फिर कंपनी के शेयर और लेना है और बढ़ाना है। मित्रों जब बढ़ाएंगे, इसमें यह नहीं सोचना है कि यदि हम पिछला शेयर मालूम चलते हैं कि 100 रुपये पर खरीदे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद तो शेयर 150 पे है तो हम 150 पे न खरीदें। इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये पिरामिड स्टाइल होता है, बढ़ते भाव पे शेयर खरीदना भी हमें आगे चल करके और फायदा देता है। राकेश झुनझुनवाला जो थे मित्रों, टाइटन को और कई कंपनियों को आप देखेंगे कि कई भाव पर उन्होंने खरीदा, बढ़ते भाव पर खरीदा। यदि शेयर बढ़ रहा है और यदि हम ऊंचे भाव पर खरीदते हैं तब भी हमें फायदा होता है। यदि हम इंतज़ार करेंगे निचले भाव पे मिलने का तो निचले भाव पे नहीं मिलेगा, इसलिए समय के साथ उसकी मात्रा को बढ़ाना है। आठवां, शेयर से कब निकलना है? एग्जिट जब फंडामेंटल खराब हो। फंडामेंटल से क्या हासिल है? फंडामेंटल से ऐसा है कोई उसका मैनेजमेंट चेंज हो रहा हो, उस सेक्टर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा हो, कंपनी के अंदर किसी बिजनेस में कोई खराबी आ गई हो, उसके जो अकाउंट वगैरह के जो फ्रॉड केस आता है वो कुछ फ्रॉड हुआ हो, तो इस सबको देखते रहना है। फंडामेंटल जैसे ही खराब हो वैसे ही शेयर बेच देना चाहिए। जैसे यस बैंक का फंडामेंटल खराब हुआ, पीसी ज्वेलर्स का फंडामेंटल खराब हुआ, बकरांगी का, इंडिया बुल हाउसिंग का, दीवान हाउसिंग फाइनेंस का, तमाम कंपनियों के बीच बीच में आंकड़े आते रहते हैं कि फंडामेंटल उसके खराब हो गया। मित्र जब फंडामेंटल खराब हो जाए तो बिजनेस नहीं बढ़ सकता। बिजनेस को आगे ले जाने का जो काम है मित्रों वो मैनेजमेंट करता है, और मैनेजमेंट यदि ईमानदार है, यदि अच्छा है तो बिजनेस को लगातार आगे लेके जाता है, और यदि उसके अंदर कमियां है तो उसके रिजल्ट में दिखेगा, उसके तो पैसा कभी भी नहीं बन पाएगा, वो लगातार नुकसान पर रहेगा। बढ़ेगा फिर घट जाएगा, बढ़ेगा फिर घट जाएगा। जो मल्टी कंपाउंडर होता है, मल्टी कंपाउंडर वो नतीजा दे ही नहीं पाता है, मल्टी कंपाउंडर निवेशकों को रिटर्न दे ही नहीं पाता है वो शेयर। तो हमें फंडामेंटल को देखते रहना है। और नवा मित्रों, अपने मिस्टेक से सीखना है।
अपनी गलतियों से हमें लगातार सीखना है। गलतियाँ बहुत होता है मित्रों, स्टॉक मार्केट में निवेश जो होता है लगातार सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। जब आप गलती करते हैं तब आपको सीखना पड़ता है। यहाँ एक एक गलती का जो खामियाजा होता है मित्रों, वो पैसे के रूप में भुगतना होता है। यदि हम अच्छा कदम उठाएंगे तो पुरस्कार के रूप में हमको फायदा होगा, यदि गलत कदम उठाएंगे तो नुकसान के रूप में पैसा जाएगा। तो हमें अपने गलतियों से सीखना है। जो हमारा पैसा होता है मित्रों, वो खून पसीने की कमाई होती है, तो वो जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है, पैसा जाता है, तो उसको देखते रहना है। और इसके बाद दसवां मित्रों, सफल निवेशक बनने के लिए अपने परम पिता परमेश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, उसकी 10-5 मिनट के लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, ईश्वर में विश्वास करिए, आपको ये पूरा प्रोसेस जो है ज़बरदस्त बहुत बड़ा निवेशक बनाएगा, और जो पैसा बनाएगा वो एक अलग बनाएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।